अस्सलाम वालेकुम। अहमद की उम्र 23 साल थी, वो ACCA का स्टूडेंट था और लाहौर में कैंटोनमेंट के अंदर एक जिम के अंदर उसने ट्रेनिंग शुरू की और बॉडी बिल्डिंग करने की कोशिश शुरू कर दी। उसको उसके ट्रेनर ने बताया कि वो 3 महीने के बाद उसको मिस्टर लाहौर बना देगा और ये बात वो हर एक से छुपा के रखे, अपने घर वालों से भी छुपा के रखे। और उसने उसको मसल सप्लीमेंट्स और फूड सप्लीमेंट्स, ये जो मैं टेबल पे आपको दिखा रहा हूँ ये पड़े हुए हैं, ये हज़ारों रुपए के आते हैं, ये उसने उसको देने शुरू कर दिए। और 3 महीने के बाद उसकी बड़ी ट्रेजिकली कार्डियक अरेस्ट के साथ जिना हॉस्पिटल लाहौर में उसकी डेथ हो गई। 3 महीने में उसकी बॉडी तो बहुत बन गई थी लेकिन उसको कार्डियक सीजर हो गया। मेरे एक क्लास फेलो के बेटे के साथ, जवान बेटे के साथ, 23 साल का फिटनेस फ्रीक, वो जिम जाता था, पिछले 2 साल से जा रहा था और उसने ये एनर्जी बूस्टर्स और स्टीरॉयड्स और ये लेना शुरू किया इनटेक, एंड उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया और फिर उसको हम सारे दफन करके आए। हमने जब इसको प्रोब किया इस प्रोग्राम के अंदर, तो पिछले 3 महीने के अंदर जो हमें गैर मुसद्दका आदाद व शुमार मिले हैं अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान में डेटा रिकवरी जो है बहुत प्रॉब्लम है, तो 18 अमवात जो हैं सिर्फ पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जिम्स के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हो चुकी हैं। बहुत से जिम्स ऐसे हैं जहाँ पर क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं हैं और वो अपने रिजल्ट्स दिखाने के लिए, अचीव करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को स्टीरॉइड्स पे, ये एनर्जी बूस्टर्स पे, एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर, इनके ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हालत ये है कि अगर आप सीवियर इनटेक ऑफ मल्टी वाइटमिन भी लेना शुरू कर दें, बताते खुद मल्टी वाइटमिन बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर डोज से ज़्यादा आप उसकी लेना शुरू हो जाएँ तो आपको किडनी फेलियर हो जाएगा।